और उनके जो विधायक हैं वो 45 हैं, मंत्री हमारा है, विभाग हमारा है, तो हम क्रेडिट क्यों ना लें। और यही मुख्यमंत्री जी जो 2020 के चुनाव में कहते थे कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से नौकरी देगा, तो हमने, आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार बनी थी इनके नेतृत्व में वो 9 अगस्त 2022 में बनी थी और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था। ये किसका विजन था, ये किसकी सोच थी? तो जो मुख्यमंत्री कहता था कि यह असंभव है नौकरी देना, उसको हमने एक हफ्ते के अंदर जो है उनसे बुलवाने का काम किया जो कहता था असंभव है। तो हम लोगों ने जिस हिसाब से विकास के काम किए, नए नए नीति लाए, टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारे पास था, हमने टूरिज्म पॉलिसी लाया, आईटी डिपार्टमेंट राजद कोटा में था, हम लोगों ने जो है आईटी पॉलिसी लाई, और भी कई जो पॉलिसीज हैं हम लोगों ने लाने का काम किया, स्पोर्ट्स पॉलिसीज हम लोगों ने लाने का काम किया, जो खेलेगा उसको भी नौकरी मिलेगा सरकारी और जो पढ़ेगा उसको भी नौकरी मिलेगा। शिक्षा विभाग किसका था? राष्ट्रीय जनता दल के पास था। हमारे मंत्रियों ने लगातार जो है नौकरियां देने का काम किया और ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है, अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, चलो जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। उन्होंने कहा कि आपने मजबूर कर दिया उनको, किस चीज की मजबूरी थी ऐसी, क्या तर्क देंगे उनके साथ के सहयोगी पूछ रहे हैं, तर्क क्या देंगे? शिक्षा व्यवस्था में सुधार जो अब तक नहीं हो पाया था, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, चिकित्सा में अस्पतालों को बेहतर करना, रोजगार देना, आर्थिक न्याय देना, स्वयं सहायक समूहों के मानदेय को दुगुना कराना, पॉलिसीज लाना। तो इससे सोच रहे थे कि भाई ये नौजवान है, हम इतने साल से मुख्यमंत्री हैं, अब तक ये काम 17 सालों में भाजपा के साथ डबल इंजन में रह करके नहीं कर पाए, और ये डिप्टी सीएम होकर के इनकी राजद के मंत्रियों ने इतना काम कर दिया, तो ये पच नहीं रहा होगा। आपका क्या रह गया जी सरकार में जो आप